हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 10 अगस्त, ठीक है। 10 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है बनेंगे, यहां से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो 12 से 15 तक के जो है मिला के यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम हो, UPSC हो, छोटी छोटी पीयून तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच गए। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया, ठीक है। इसको हर साल जो है अब 7 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है नेशनल लेवल पर इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। 7 अगस्त को पूरा भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाती है। ये खासकर जो है हमारे देश में जो है एथलेटिक्स के लिए, खास करके जो है जो एथलेटिक जो महासंघ है, इसको जो भाला फेंक में जो है हमारे जो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के जो है ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत के सम्मान में जो है तिथि को जो है निर्धारित किया गया है। आप सभी पता होगा नीरज चोपड़ा, इन्होंने जो है भारत को जो है भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाई थी। इसी के याद में 7 अगस्त को जो है ये भाला फेंक दिवस उसी दिन से यहाँ पे जो है मनाए जाने के जो है घोषणा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए और युवाओं को इस दिशा में, ठीक है, आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसको जो है मनाया जाएगा, ठीक। हाल ही में RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है UPI पर RBI ने UPI का जो है कर भुगतान जो है जो सीमा बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5,00,000, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो RBI जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो आप डिजिटल जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, भुगतान करते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो है UPI जिसको हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जो नाम से जानते हैं, ठीक, इसके माध्यम से सभी जो है ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये आप खार के जो ट्रांजेक्शन करते हैं, भुगतान करते हैं, इसमें जो है 1,00,000 से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये जो है प्रति लेन देन, ठीक, 1 से 5,00,000 तक जो है आप लेन देन ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है 5,00,000 तक इसको जो है बढ़ा दिया, मतलब 1 से 5,00,000 तक के बीच में जो है हर दिन आप जो इसमें जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये जो नियम का बदलाव जो है RBI के द्वारा, ये जो है नया नियम यहाँ पे बदलाव किया गया। RBI की बात करो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास अभी जो है RBI के गवर्नर है, ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आपका जो है मलेशिया, याद रखें। मलेशिया में जो है जो एयरफोर्स का जो है अभ्यास है जिसका नाम उदार शक्ति 2024 रखा गया है, जो है हमारे जो है खास करके एयरफोर्स और यहाँ के एयरफोर्स का जो है द्विपक्षीय जो है अभ्यास है, जिसमें जो है सैन्य शक्ति बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको जो है मनाई जाती है, ठीक। बहुत सारे इनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जो है दोनों देश के बीच जो है सेनाओं के यहाँ पर जो आर्थिक मजबूती मिल सके, ठीक है। मलेशिया का अगर मैं मलेशिया की बात करूँ तो ये आपके जो है जो साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत जो है एक कंट्री आती है, ठीक है। यहाँ का भी मैं कैपिटल की बात करूँ तो क्वालालंपुर, याद रखिए क्वालालंपुर यहाँ के जो है अभी कैपिटल, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। और यहाँ के अगर मैं प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ तो अनवर इब्राहिम यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, हाल ही में शोभना रानाडे का जो है निधन हुआ है, कौन थी, तो ये पत्रकार थी, गायिका, लेखिका या जो है सामाजिक कार्यकर्ता, तो जो है भारत के जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये कहा जाता है ये जो शोभना रानाडे जो है 18 साल की एज में जो है महात्मा गांधी से मिली थी, ठीक है, और जाने माने जो है प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं शोभना रानाडे हमारे भारत के, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जो है कहा जाता है महात्मा गांधी से 18 वर्ष के एज में उन्होंने जो मिला था, ठीक है जी, और इसी तरह यहाँ पे जो है उनसे बहुत सारे सीखने के बाद जो है सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारे काम इन्होंने यहाँ पे जो है किए हैं, और 99 वर्ष की एज में, ठीक, यहाँ पे 1990 एज में जो है 99 वर्ष की एज में इनका जो है ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गया, ठीक है। ये जो सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है, गांधीवादी थी और बेसहारा महिलाओं बच्चों के लिए जो बहुत सारे जो है काम इन्होंने किए हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो नाम को याद रखें, शोभना रानाडे, क्योंकि जो निधन से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ शुरू हुई है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के जो अजमेर है, ठीक है, अजमेर में राजस्थान का जो शहर है, अजमेर शहर में जो राजस्थान की पहली विमानन अकादमी है, ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान की पहली जो है उड़ान प्रशिक्षण अकादमी है, ठीक है, अजमेर जिला किशनगढ़ हवाई अड्डे पर जो इसको शुरू की गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है जिन लोग जो है इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इन लोग जो है एक तरह का जो है प्रशिक्षण अकादमी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है
किशनगढ़ में जो है, जो भजन लाल शर्मा जी इन्होंने जो है अजमेर में जो किशनगढ़ में जो है राजस्थान की पहली एकेडमी है जिसकी शुरुआत हो गई है, ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार, भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई? तो लद्दाख में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमारे भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया, ठीक है, पूर्वी लद्दाख में, ठीक है, पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई वाले जो क्षेत्रों में भारतीय सेना द्वारा जो प्रमुख सैन्य अभ्यास है, ठीक है, जिसमें भारत चीन सीमा के पास से जो ऊंचाई वाले युद्ध पर ये जो खास करके जो है दुश्मनों को जो है यहाँ पे जो है कभी भी यहाँ पे जो आप सभी को पता होगा चाइना का जो है कभी भी यहाँ पे जो है कुछ भी कर सकते हैं, तो एक तरह का जो है सैन्य अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश आप सभी को पता होगा तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, हाल ही में बोइंग ने किसे अपना नया जो है अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो केली जो आर्टबर्ग, ठीक है, केली आर्टबर्ग को जो है बोइंग कंपनी ने अपना जो है सीईओ और अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केली आर्टबर्ग, ठीक है। बोइंग कंपनी का अगर मैं बात करूँ जो है बोइंग कंपनी एक जो है अमेरिकी कंपनी है जिसमें आपका हवाई जहाज़ एयरक्राफ्ट सेटेलाइट वगैरह ये इस क्षेत्र में जो है अंतरिक्ष रक्षा विभाग में जो है ये डिजाइन वगैरह विकसित जो है कंपनी ये खास करके यहाँ पे जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है एरोप्लेन वगैरह यहाँ पे बनाने का जो है काम करती है, ठीक है, हवाई क्षेत्र वगैरह यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में काम करती है, ठीक है, इसी के जो है केली आर्टबर्ग को जो है सीईओ और चेयरमैन इसको बनाया गया है, ठीक है जी। आठवां क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने कावा महिला जो है वॉलीबॉल जो है राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है भारत के द्वारा, ठीक है जी, तो किस देश ने, भारत ने जो है कावा महिला जो वॉलीबॉल जो है राष्ट्र जो है लीग का दूसरा खिताब भारत द्वारा जीत हासिल की गई, तो भारत ने जो महिलाओं के द्वारा जो है वॉलीबॉल टीम ने, भारत की जो महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने नेपाल को, ठीक है, 3-2 से जो है सीटों से हरा कर जो है जो कावा जो मध्य एशियाई वॉलीबॉल जो एसोसिएशन के द्वारा जो है महिला वॉलीबॉल जो है नेशनल लीग जीत जो है हासिल की, किसको हरा कर, नेपाल को हरा कर, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इसका भी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो महिलाओं के बाल खेल से संबंधित है जिसमें नेपाल को हरा के जो भारतीय जो वॉलीबॉल टीम है महिलाओं की ये जो जीत हासिल की है, ठीक है। हाल ही पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण, कांस्य, रजत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत पदक, याद रख, कल भी इसको मैं बताया था, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में जो है जो नीरज चोपड़ा आप सभी को पता होगा जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाला फेंक में जो है जाने जाते हैं, इनको सभी जानते होंगे आई थिंक, तो पेरिस ओलंपिक, ठीक है, जिसका आज कल लास्ट हो जाएगा, ठीक है, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा पेरिस ओलंपिक, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो है इन्होंने रजत पदक हासिल किया है, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के आधिकारिक जो है यात्रा पर गए हुए हैं, मालदीव, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव, ये इसकी राजधानी है माले, अभी जो है मोइदीन, ठीक है, यहाँ का भी जो है राष्ट्रपति हैं और इसका मैटर भी लंबा बहुत टाइम से चल रहा था, अकड़ दिखा रहा था मालदीव, ठीक है। तो एस जयशंकर जी यहाँ पे जो है मदद के लिए यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो है मदद मांग रहे हैं अभी जो है मालदीव, यहाँ का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी टूरिस्ट जो है यहाँ पे जो है टूरिस्ट पे जो है दम पे जो है यहाँ पे जो है लगभग 5 से 6 लाख यहाँ की जनसंख्या है और यहाँ पे जो है पर्यटन पे जो है यहाँ की आर्थिक स्थिति टिकी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे जो है मालदीव गए हुए हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है, और मालदीव के जो राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे जो है आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए जो है समझौता यहाँ पे करेंगे मालदीव सरकार के साथ। आप सभी को पता हो कि जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, ठीक है, चीन की वजह से भारत से अपने जो रिश्ते खराब कर लिए थे लेकिन फिर भी भारत आप सभी को पता हो कितना दयालु हो, फिर भी भारत ने जो है यहाँ पे जो है मतलब जो है मालदीव को यहाँ पे जो है रिश्ते बनाने की जो है कोशिश अब फिर से कर रही है, फिर भी भारत उसको कुछ मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे जो है पहुँच चुके हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, जिसमें आपका जो है भारत के द्वारा अलग अलग 6 प्रोजेक्ट जिसमें आपका एजुकेशन को लेके, स्ट्रीट लाइटिंग, बच्चों के लिए थेरेपी वगैरह, यहाँ पे शिक्षा संबंधित अलग अलग 6 प्रोजेक्ट पे यहाँ पे जो है समझौता यहाँ पे जो है किया जाएगा, ऑनलाइन जो है UPI के लेकर यहाँ पे जो है बहुत सारे समझौता यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी, इसको आपको याद रखने हैं। 10वां 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है, तो 35, याद रखें 35, ये जितने भी आज के क्वेश्चन हैं सभी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साल 2023 की बात करें तो क्योंकि 24 के डाटा चल रहा है, साल चल रहा है, तो 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो लगभग 35 गांव जो भारत के 35 गांव को जो है मान्यता दिया गया है, तो भारत के लगभग
35 गांव, जिसमें जम्मू कश्मीर, सिक्किम जो है, अनेक बहुत सारे ऐसे जो है जो राज्य हैं, ठीक है, जो पर्यटन गांव के रूप में जो इसको मान्यता दिया जाएगा, ठीक है जी। और ख़ास करके यहाँ पे जो है ये गांवों को जो है उनकी सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और पर्यटन के माध्यम से सतत विकास के लिए हर साल जो है प्रतिवर्ष ये दिया जाता है, ठीक है। तो भारत के मंडपम में जी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस समारोह में जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा, ठीक है जी। तो खासकर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, अलग अलग क्षेत्रों को देखते हुए जो है यहाँ पर जो है ये जो पुरस्कार यहाँ पे दिया जाएगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका 35 जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ठीक है, अलग अलग लगभग इसी तरह के यहाँ पे जो है 35 गांवों को यहाँ पे जो है उड़ीसा वगैरह, तेलंगाना वगैरह, इस छत्तीसगढ़ वगैरह भी यहाँ पे जो है सम्मिलित हैं, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में RRR स्वयं को पूर्णकालिक DGP नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। DGP मतलब डायरेक्टर जनरल पुलिस, ठीक है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर के जो है RR स्वयं को जो है पूर्णकालिक जो है DGP डायरेक्टर जनरल पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के, ठीक है जी, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गया है। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल के? तो ममता बनर्जी, ठीक है, MB मतलब ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो इसको याद रखें। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो यहाँ के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गया, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कामिल मदौरी को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ट्यूनेशिया। और यहाँ पे ट्यूनेशिया का अगर बात करूँ तो कंट्री आपके अफ्रीका के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। अफ्रीका में जो है बसा हुआ कंट्री है ट्यूनिस, ठीक है, ट्यूनिस यहाँ के जो है राजधानी है, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है ट्यूनिस, ठीक है। अरेबिक यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और यहाँ के मैं अगर प्रेसिडेंट की बात करूँ, कैस साइड यहाँ के प्रेसिडेंट है, और जो है कामिल मदौरी करके हैं यहाँ के अभी प्रधानमंत्री, ठीक है। कामिल मदौरी जो है यहाँ के जो है ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री, इनको नियुक्त किया गया। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट हो गया आज, 14 क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को जो है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है जी। टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, वहाँ आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, थैंक यू।